हेलो दोस्तों मेरा नाम ताहिर शब्बीर है अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही लिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ट्विटर पर अलीना ख़ान नामी एक लड़की का शलवार के नाम से जो ट्रेंड चल रहा है ये पूरा मामला क्या है कैसे शुरू हुआ मकसद क्या है ये अलीना कौन है किस सोच के तहत ये सब कुछ किया क्या वो सही कर रही है पाकिस्तानियों का रद्दमल कैसा आ रहा है इस सब पर मुख्तसरा हम बात करेंगे दोस्तों पाकिस्तान में जहाँ पर अचानक से एक दिन अदलिया की और सियासत में फ़ौज की मुदाखलत की बहस ट्विटर पर चल रही थी आसमा जहंगीर के लिए जो एक रेफरेंस रखा गया था उसको देखते हुए तो ट्विटर पर वो ट्रेंड कर रहा था और ट्विटर पर सभी लोग अदलिया के और फ़ौज के किरदार को और सियासत को डिस्कस कर रहे थे अचानक से ट्विटर पर एक ट्रेंड नमूदार होता है जो कि हैश टैग शलवार से है अब ये लफ्ज़ ही ऐसा है कि इसको देखते ही कोई भी इंसान अलर्ट हो जाए हमारे माशरे में और फिर इसको फॉलो करना शुरू कर दे इस ट्रेंड पर जैसे मैं मुतवजे हुआ ऐसे ही हजारों और लाखों पाकिस्तानी मुतवजे हो रहे हैं और धड़ाधड़ ट्वीट कर रहे हैं और मुसलसल ये ट्रेंड पहले चौथे नंबर पर था फिर तीसरे पर गया आधे घंटे बाद रिफ्रेश किया दूसरे पर आ गया अभी भी ये फ्लक्चुएट कर रहा है कभी टू पर कभी थ्री पर खड़ा नजर आता है पाकिस्तानी शलवार को डिस्कस कर रहे हैं किसकी शलवार को एक लड़की है जिसका बल्कि एक लड़की भी नहीं है हम ये कहेंगे कि ट्विटर पर एक अकाउंट है जो कि अलीना खानाना के नाम से है और ये बड़ा अजीब सा खान तो सुना है खान एना आगे लिखा हो यह समझ से बाहर है इस अकाउंट से एक वीडियो जारी की गई जो कि ये ट्रेंड बनने से तकरीबन 24 घंटे पहले जारी की गई मगर उससे पहले किसी की नजर नहीं पड़ी वो वीडियो वायरल नहीं हुई और ये ट्रेंड नहीं बना उस वीडियो में क्या देखा जाता है आइए हम पहले वो वीडियो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या कुछ नजर आया पाकिस्तान के आप अगर ट्रेंड्स देखें तो पाकिस्तान में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनमें नंबर उन पर पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश क्रिकेट मैच पाकिस्तान जीता फिर फुटबॉल का एक ट्रेंड है और नंबर थ्री पर आप देख सकते हैं कि शलवार ट्रेंडिंग कर रहा है और चौथे नंबर पर है आसमां जहांगीर कॉन्फ्रेंस 21 जो कि आज हुई जिस पर के बारे में मैंने आपसे शुरू में बात किया कि सब इस पर तस्करा कर रहे थे मगर ये शलवार अचानक से बीच में आई है और इस पर बहस होने लगी ये शलवार क्या है आइए ज़रा हम जानते हैं अगर हम इस ट्रेंड पर क्लिक करें तब से पहले आपके सामने अलियाा नामी एक लड़की की प्रोफाइल आ जाती है और इस प्रोफ़ाइल का जो यूज़र नेम है वो अलीना खान आना या खानाना कुछ ऐसा बनता है आ, हो सकता है ये पश्तून में कोई कास्ट हो हम चलते हैं सीधा इसी प्रोफाइल पर क्योंकि इसी प्रोफाइल से वो वीडियो जारी की गई है कवर फोटो ब्लैक है और डीपी में आपको ये खातून नज़र आती हैं जो कपड़े इन्होंने इस पिक्चर में पहन रखे हैं इन्हीं कपड़ों को पहनकर वीडियो बनाई गई है एक पॉइंट लेकिन आगे चलते हैं और वो वीडियो देखते हैं कि उस वीडियो में क्या है ज़रा सा आप इस प्रोफाइल को ज़रा चेक करें और इससे गो थ्रू करें तो इस प्रोफाइल पर आप ये भी देखेंगे कि अलीना ने यानी कि इस अकाउंट ने आ, ये वीडियो पोस्ट करने के बाद भी बहुत सी ट्वीट्स और पैगाम जारी कर रखे हैं उन उन पर भी हम थोड़ा सा जायजा लेंगे कि वो क्या है मगर हम पहले देखते हैं कि वो वीडियो क्या थी ये है वो वीडियो 18 नवंबर को जारी की गई और इस वीडियो में हम ये देख सकते हैं कि एक लड़की है जो कि किसी घर की या किसी भी इमारत की छत पर नज़र आती है और अगर हम इसका आर्किटेक्चर देखें इसको पीछे से इमारत देखें तो उससे लगता नहीं कोई पाकिस्तानी घर है पाकिस्तानी हो भी सकता है कुछ कहना मुश्किल है मगर इम्कान ये है कि पाकिस्तान का घर ना हो अभी हम देखते हैं कि ये क्या है बारहल अब जरा हम ये वीडियो देख लेते हैं फिर इस पर बात करते हैं छ सेकेंड की ये वीडियो है और अगर आप इसको देखें तो इस वीडियो में इस लड़की ने जो शर्ट पहन रखी है वो ही शर्ट इनकी डीपी में नजर आई देखी देखिए पाकिस्तान में कोई लड़की ऐसे आपको पब्लिकली अपनी वीडियो बनाकर जारी करती नजर नहीं आएगी और अब तक इसको तीन लाख एक हज़ार से ज़्यादा लोग देख चुके हैं तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये बेहया लड़की है बेहयाई फैला रही है गलत काम कर रही है और बहुत से लोग बल्कि बहुत कम लोग ऐसा समझते हैं कि इसको ऐसा करने दो ये लोग कौन है जो ये कहते हैं कि इस लड़की को ऐसा करने दो हम इन दोनों नज़रियात का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं हम जो दुनिया के इंसान हैं उन्हें अगर आप मजमूरी तौर तो पर तकसीम करें तो आप दो तरह के लोगों में तकसीम कर सकते हैं एक वो लोग होते हैं जो अपनी हदूद और कैूद में जो उनको मुआरा मज़हब और उनकी फैमिली सिखाती है उसके अंदर रहना पसंद करते हैं और वो समझते हैं कि इससे बाहर निकलना बहुत गलत होगा दूसरी तरह के लोग वो लोग होते हैं दोस्तों जो इन हदूद और कैूद को इन लिमिट्स एंड बाउंड्रीज़ को तोड़ कर इनसे बाहर निकल के उसको भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं मज़ब जो कहता है उसको तोड़ कर देखते हैं उसमें कैसा लगता है या घर और माशरे की जो रवायात हैं उनको तोड़ कर देखते हैं उसमें कैसा लगता है तो ये वो तरह के लोग होते हैं तो दुनिया के सभी इंसानों को आप इन दो कैटेगरीज़ में तकसीम कर सकते हैं एक वो जो इन रिवायात को तोड़ देता है जिन्हें हम रोशन ख्याल या प्रोग्रेसिव भी कहते हैं और दूसरे वो जो कि इन्हीं के अंदर रहना चाहते हैं जिनको बहुत से लोग उनका मज़ाक उड़ाने के लिए कुएँ के मैंड क़दामत पसंद और बैकवर्ड माइंड और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं आपने देखागा आज से कुछ अर्से पहले इस्लामाबाद में एक फ़ोटो शूट हुआ था जिसमें एक लड़का और लड़की नींब बरहाना नज़र आ रहे थे उस लिबास में लड़के ने लड़की के कपड़े पहन रखे थे और वो उसमें कुछ हद तक उनके जिसम भी नज़र आ रहा था उस फोटोशूट को देखें और आप इस लड़की को देखें ये इन ख्यालात को देखें तो ये कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट होते हैं कैसे मैं आपको बताता हूँ वो लोग जो अपनी रिवायात को तोड़ना चाहते हैं उन हदों से आगे बढ़कर ज़िंदगी को चखना चाहते हैं जिन हदों तक हमें रोका गया है माशरे मज़हब घर की जानब से वो लोग हैं ये इस तरह के लोग जो आ, कपड़ों के बगैर आपको नज़र आते हैं या इस्लामाबाद में शूट करवा रहे थे इनका ये मानना है ये एक पूरा ख्याल है मगरबी दुनिया में ये लोग ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं हमारे यहाँ तो ऐसे लोग जब बात भी करें तो बुरा लगता है और उनको दबा दी जाता है जैसे अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये गलत है बेहयाई है और बुरा काम बहरल ये लोग ये समझते हैं कि इनका जो जिसम या इनका जिन्स है वो कुदरत या ये खुद डिसाइड करेंगे क्या है ये ख़ुद फ़ैसला करेंगे कब इन्होंने मर्द दिखना है कब इन्होंने औरत दिखना है और एक लंबी डिबेट हो जाएगी बहरल इन हदूद को तोड़ने वाले लोगों को ज़ाहिर करता हुआ ये ट्विटर अकाउंट है और इससे ये लगता है कि ये लड़की जो है जिसका ये अकाउंट है वो ऐसे ख्याल रखती है जो कि स्टीरियोटाइप्स को और एक जैसी ज़िंदगी को या जो भेड़ चाल चलते हैं हम सब उसको तोड़ना चाहती है कुछ चीज़ों में यह अच्छा होता है कुछ कुछ चीज़ों में बुरा भी हो सकता है इस पर एक लंबी डिबेट है तो जो लोग कह रहे हैं कि ये बेहयाई है गलत है वो अपनी उन्हीं हदूद में रहना चाहते हैं जो मजहब ने सिखाई हैं जो उनको माशरे ने दी हैं जो उनके घर ने सिखाया है और जो लोग कह रहे हैं कि ये भी ठीक है ये किया जा सकता है इट कैन बी ट्राइड जिंदगी को चखने के लिए ये रंग भी जिंदगी का चखा जा सकता है कि इस रंग में क्या होता है तो वो भी अपनी जगह पर दुरुस्त हैं उनकी नफ्सयात है और वो भी इंसान हैं जो ऐसा सोचते हैं और जो इससे मना करते हैं वो भी इंसान ही हैं तो सबके ख्याल अपनी अपनी रा, राय राय या आरा हो सकती हैं अगर आप इस अकाउंट को देखें तो इस अकाउंट से अब तक दस हज़ार ट्वीट की जा चुके हैं जिसका मतलब है कि ये रियल अकाउंट हो सकता है क्योंकि ये कोई आज नहीं बनाया गया ये एक अरसा दराज से बना हुआ है इस अकाउंट के तेरह हजार फॉलोअर्स भी हैं और अगर आप देखें कि ये अकाउंट किन फॉलो करता है किन को? उसमें ज़्यादातर लड़कियाँ हैं और जो लड़कियां उधर नजर आती हैं वो सारी रोशन ख्याल है वही वाले लोग जो बाउंड्रीज को पुश करना या तोड़ना चाहते हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंगों को जिनसे माशरे मज़हब और घर ने मना किया है उनको चखना या उनको जीना चाहते हैं उस तरह के लोग आपको इस अकाउंट पर ज़्यादा लोग फॉलो करते नजर आते हैं और ये कुछ हद तक कहा जा सकता है कि रियल अकाउंट है मगर इस अकाउंट की जो हैरानकुन बात है कि इस पर पूरे अकाउंट पर और कोई तस्वीर नहीं है इससे पहले इस लड़की ने कभी कोई तस्वीर नहीं लगाई ना जारी की ना कोई वीडियो डाली ना कोई दोस्तों के साथ हैप्पी मोमेंट शेयर किए जिससे सवाल उठता है कि हो सकता है कि यह अकाउंट जाली मगर अब तक जिस तरह का लग रहा है ये अकाउंट रियल लगता है इसको चला कोई लड़का रहा है जिसने किसी लड़की की वीडियो डाल दी हो सकता है दोस्तों इस पूरे मामले का एक और अहम पहलू है बहुत से लोग ये भी तबसरा कर रहे हैं कि इसके काले घुटने हैं इसको ये घुटने दिखाने का क्या शौक है जो भी वो काम कर रही है इस माशरे में रहते हुए इस, इस इस्लामी जमूरिय पाकिस्तान के कवानीन को देखते हुए यहाँ की मजहबी रवायात को देखते हुए और माशरती रवायात को देखते हुए ये काम इस सोसाइटी के मैार के लिहाज से गलत है लेकिन Osionfish. किसी भी इंसान के उसकी जाहरी किसी भी मसले का किसी भी चीज़ का किसी की नाक टेढ़ी है किसी के गाल मोटे हैं कोई गोरा है कोई काला है किसी के घुटने काले हैं किसी के घुटने सफ़ेद हैं उन पर तंज करना या उस पर जुमलेबाजी करना ये भी उतना ही गलत है जितना इस लड़की ने गलत किया है लिहाजा वो लोग जो इसके घुटनों पर और रंगत पर बात कर रहे हैं और इस लड़की की ज़ात पर इस बतौर इंसान इसको लान तान और गालियाँ दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं हम मैं आपको पहले समझा चुका हूँ मुख्तसरा कि लोग ऐसा बनते क्यों हैं ये किस तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं ये वही सोच है जो इंसान की बुनियादी सोच है जिससे ये दुनिया बनी जो कि हर मुसलमान का तसव् रहे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को और हज़रत अम्मा हवा को मना फरमाया था कि आपने ये गंदम का दाना नहीं खाना है मगर उन्होंने उन हदूद से पार जाकर उसको चक्कर देखा और फिर उसकी सज़ा भी जो उन्हें मिली और इसके बाद दुनिया वजूद में आई बतौर मुसलमान हम सब का ये यकीन है लेकिन इंसान के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि वो इन हदूद को तोड़कर उसके बाहर जाकर देखे तो सही कि वो कैसी जिंदगी है वो सारी जिंदगी कुएं का मेंढक बना नहीं रहना चाहता तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं आप भी ज़िंदगी में किसी ना किसी दर्जे पर ऐसा करते होंगे जिनमें से आप में से बहुत से लोग होंगे जो पक्के पाँच वक्त के नमाजी हो सकते हैं मगर कभी उन्होंने सोचा होगा जब फजर के वक्त बहुत नींद आ रही होती है तो एक दफ़ा बिस्तर में लेट कर सो के तो देखें कैसा लगता है तो ऐसा हो सकता है या इसके अलावा बाकी चीज़ें जो भी हैं तो इसी तरह से ये जो ख़ातून है इन्होंने भी वही किया है मगर इन्हें ऐसा करते वक्त अपने माशरे को अपनी रिवायात को अपने घर को अवामी रद्दमल को जहन में रखना चाहिए कि वो कैसा हो सकता है और वो मैसेज कौम को देना क्या कॉम उसको एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार भी है कि नहीं ये भी आपने मैसेज देने वाले ने ख़ुद ही फैसला करना होता है और वो उसकी अपनी सेंस होती है उस बुनियाद पर फैसला कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता मगर एक बात बहुत दिलचस्प है लव शिलवार और छः सेकेंड की वीडियो और एक लड़की जब ये तीन चीज़ें मिली हैं तो पूरी कॉम हिलकर रह गई है दरअसल इस कौम का मसला ही तो शलवार का है इस पर ज़रा कभी सोचिएगा अल्लाह हाफ़िज